जापान राइनोस इंडोनेशिया में पाए जाने वाला गेंडे का एक दुर्लभ प्रजाति माना जाता है। इन गेंडों को देखते ही शिकारी अपना शिकार कर लिया करते हैं, इसीलिए वहाँ की सरकार उजुंग कुलोन नेशनल पार्क में बचे हुए जापान गेंडे की प्रजाति को वहाँ रख दिया है। लेकिन वहाँ भी उनका बचना नामुमकिन है, क्योंकि इसके रहने के लिए बड़ा सरफेस चाहिए होता है। छोटे जगह में रहने की वजह से ये धीरे धीरे बीमार होने लगते हैं, और इसी बीमारी के कारण वो धीरे धीरे मारे भी जाते हैं। कि आम तेंदुआ से इनका साइज काफ़ी बड़ा होता है, इसी वजह से अमूर तेंदुआ को एक तेंदुए की अलग प्रजाति मानी जाती है। और यह अमूर तेंदुआ दुनिया में सिर्फ रूस और चाइना के जंगलों में ही पाए जाते हैं। अमूर तेंदुआ खासकर घर से सटा हुआ या रोड से सटा हुआ जंगल में ही रहना पसंद करते हैं। तो क्या होता था ना कि जब ये तेंदुआ किसी के घर के आसपास जब दिखता था तो लोग उसे मार देते थे, और रोड साइड में रहने की वजह से रोड क्रॉस करते समय गाड़ियों से कुचले जाते थे। इसीलिए ये अमूर प्रजाति का तेंदुआ पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 100 के लगभग ही बचे हुए हैं। सुंडा आइलैंड टाइगर, जिसे सुंडा द्वीप बाघ के नाम से इंडिया में जाना जाता है, ये सुंडा द्वीप बाघ जितना दुर्लभ है, इस बाघ का नेचुरल हिस्ट्री काफ़ी कुछ सिखाती है। इस सुंडा द्वीप बाघ को उसी जगह पाया जाता है जहां अमूर तेंदुआ को पाया जाता है, इंडोनेशिया के जंगल में। 1980 का एक शोध के मुताबिक सुंडा आइलैंड के आसपास इंसानी आबादी 1980 में करीब 357 मिलियन हुआ करता था। उस वक्त सुंडा द्वीप बाघ काफ़ी मात्रा में इंडोनेशिया में पाया जाता था, और उस वक्त नॉर्मल बाघ की तरह ये भी बाघ हुआ करता था। लेकिन जैसे जैसे इंसानी आबादी बढ़ती चले गई, इस बाघ में फिजिकल चेंजेस होने लगे। इंसानी आबादी बढ़ने के कारण इस प्रजाति की बाघ को घुटन महसूस होने लगी, और घुटन के वजह से इसका वेट लॉस होने लगा। 2020 का एक शोध के मुताबिक सबसे कम वजन का सुंडा आइलैंड टाइगर का वजन 140 किलोग्राम पाया गया था, जो कि नॉर्मल किसी भी टाइगर का वजन 310 किलो से लेकर 350 किलोग्राम तक का होता है, और सुंडा आइलैंड टाइगर बस कुछ ही बचे हुए हैं। माउंटेन गोरिलास, भारत में लोग इसे पर्वत गोरिला के नाम से जानते हैं। माउंटेन गोरिला गोरिला की पहली प्रजाति मानी जाती है, जिसे रवांडा और युगांडा के ज्वालामुखी वाले पहाड़ों में और कुछ जंगलों में पाया जाता है। रवांडा और युगांडा में रहने वाले माउंटेन गोरिला वहां के ज्वालामुखी के कारण पहाड़ का टेम्परेचर गर्म रहता है, इसी वजह से वहाँ की वनस्पतियाँ नष्ट हो जाती है। दूसरी तरफ जो माउंटेन गोरिला जंगल में रहते हैं, रवांडा और युगांडा में इतनी गरीबी हमेशा से ही है कि आप सोच नहीं सकते। वहाँ के लोग भोजन को पकाने के लिए जंगली लकड़ी का इस्तेमाल हमेशा करते आ रहे हैं। जंगल खत्म होने की वजह से उन्हें भोजन वहाँ भी नहीं मिल पाता है, और वो धीरे धीरे भोजन की कमी से खत्म होते जा रहे हैं, और आने वाला समय में माउंटेन गोरिला लगभग विलुप्त ही हो जाएंगे। तपनोली ओरेंगुटान, तपनोली ओरेंगुटान की प्रजाति आपको दुनिया के किसी भी देश में देखने को मिल जाएंगे, लेकिन मुहां पर ऑरेंज कलर का दाढ़ी रखने वाला ये तपनोली बंदर
आपको पूरे दुनिया में सिर्फ इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप में ही देखने को मिलेगा और इस प्रजाति का कुल 1% ही इस दुनिया में मौजूद है जो कभी भी विलुप्त हो सकता है। और आज के समय पूरी दुनिया में 800 तपनोली ही बचे हुए हैं। एंग्ड फाइनलेस पर्प्राइज ये एक डॉल्फिन है और ये सिर्फ चीन में पाया जाता है, इसीलिए इसका नाम एंगतीजी फिनलेस पर्पोइज रख दिया है। ये चीन वाले को भी ना नाम भी ठीक से रखना नहीं आता। खैर छोड़िए, वैसे कुछ तो पाया जाता नहीं चीन में डुप्लीकेट सामान के अलावा, जो मिला घुमा फिरा कर उल्टा सीधा नाम ही रख दिया। ये एकमात्र डॉल्फिन है जो मीठे पानी में रहता है और खुद को सर्वाइव कर पाते हैं, और वहाँ सिर्फ 1000 डॉल्फिन ही बचे हुए हैं, वो भी सरकार की संरक्षण में। क्या पता वहाँ के लोग पकड़ कर इसे कभी भी कच्चा चबा जाए, इसीलिए डॉल्फिन को सुरक्षा सरकार ने दे रखा है भाई। जिसे भारत में हम काला गेंडा कहते हैं, ब्लैक राइनोस, उन जानवरों में गिने जाते हैं जो कुछ ही सालों बाद इनका नाम ही सुनने को ना मिले, क्योंकि लालची इंसानों ने पृथ्वी के मानो सारे ब्लैक राइनोस को मार दिया है। इंसानों द्वारा ब्लैक राइनोस को आज से नहीं मारा जा रहा है, 1960 से 1995 के समय में ब्लैक राइनोस की आबादी काफ़ी थी, लेकिन इंसानों को जब ये पता चला कि ब्लैक राइनोस का एक सिंह लाखों रुपया में बिकता है, तब से इंसानों ने ब्लैक राइनोस को उनके लाखों रुपया के सिंह के लिए मारना शुरू कर दिया और आज पूरे धरती से विलुप्त के कागार पर आके खड़ा है। अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट, जिसे हम अफ्रीकन जंगली हाथी कहते हैं। अफ्रीका में वैसे दो प्रकार के हाथी पाए जाते हैं, एक जो लगभग कॉमन हाथी होता है और हर देश में पाया जाता है, लेकिन हम आज बात करने वाले हैं अफ्रीका में पाए जाने वाला शर्मिला हाथी के बारे में, जो किसी को देख के भी शर्मा जाते हैं, इसीलिए इसे दुर्लभ प्रजाति में माना जाता है। जानवर और इंसान दोनों को ही देखकर शर्मा जाते हैं ये हाथी और दूर भागने लगते हैं, लेकिन दुख की बात ये है कि अब ये शर्मिला हाथी अब गिने चुने हुए ही बचे हुए हैं, जिसे सिर्फ अफ्रीका के जंगल में देखने को मिलता है। ये विलुप्त इसीलिए हो रहे हैं, सबसे बड़ा वजह जो है वो है अफ्रीका की गरीबी रेखा, जो कोई भी जानवर को मारकर खा जाते हैं। दूसरा, हर किसी को देखकर दूर भागते रहने से इनको अपनी भोजन पूरी करने में मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। एक समय था 1960 और 1995 का, जब इस शर्मिला हाथी को पूरे अफ्रीका के जंगल में बड़े तादाद में पाया जाता था, और एक समय आज का है जो सिर्फ 2% ही हाथी बचे हुए हैं। सुमात्रन ओरंगुटान, यह एक इंडोनेशियन भाषा है जिसे हम और अब शायद वन मानव कहते हैं, लेकिन ये आम वन मानव से कई ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। जैसे कि आम वन मानव के शरीर पर काले रंग का बाल होते हैं, वहीं सुमात्रन ओरंगुटान के शरीर पर ब्राउन कलर का बाल होता है। इसे भी इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप पर ही पाया जाता है और ये दुनिया में कहीं नहीं पाया जाता है। ये वन मानव जिस सुमात्रा द्वीप पर पाया जाता है, वो द्वीप एक गर्म भाप में दिन व दिन तब्दील होते जा रहे हैं। सुमात्रा द्वीप में इनके रहने लायक सिर्फ 40% ही जंगल बचे हैं, और ये भी दिन व दिन कम होते होते अब विलुप्त के कगार पर है। इंसान इनके रंग और चाल का इतना दीवाना है कि इसे जंगल से पकड़कर अपने घर को ले जाते हैं। आपको बताने की तो ज़रूरत नहीं होगा कि घर लेकर जाने से कोई भी जानवर घर में जंगल जैसा फ्रीडम महसूस नहीं कर पाता है। इसी वजह से एक या दो दिन या चार दिन में या फिर महीनों में या साल में वो एक ना एक दिन मर ही जाते हैं। हॉक्सबिल टर्टाइल्स, जो हमारे देश भारत के प्रशांत महासागर में पाए जाते हैं। वैसे तो समुद्र में 7 प्रकार के कछुए पाए जाते हैं,
लेकिन क्या आपको पता है कि अब हॉक्सबिल कछुआ विलुप्त होने के कगार पर है। इनके विलुप्त होने के कई कारण बताए जाते हैं। हॉक्सबिल कछुआ बाकी कछुए के मुकाबले समुन्द्र की ऊपरे वाली सतह पर तैरती है। वहीं अगर बाकी कछुए की बात की जाए तो वो सब पानी के निचले सतह में ही रहती है। यही इनके विलुप्त होने का भी कारण है। ऊपर तैरने की वजह से समुद्र पर चलने वाले सीप और नाव घुमावदार ब्लेड से टकरा जाने की वजह से इन हॉक्सबिल की मौत हो जाती है। और सबसे बड़ा कारण ये भी है, ऊपर सतह पर तैरने की वजह से मछुआरे आसानी से इनका शिकार कर लेते हैं। एक सर्वे के मुताबिक हॉक्सबिल कछुआ अब सिर्फ 20% ही बचे हुए हैं। आज के इस वीडियो में आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि कोई भी जंगली या पानी में रहने वाला जीव आज विलुप्त तो हो रहे हैं, इसका कोई और जिम्मेदार नहीं बल्कि हम इंसान ही है। दोस्तों, जंगल और जंगली जीव हमारे हेल्थ के लिए कितना लाभदायक है ये हम और आप शायद नहीं जानते। अब आप ये पूछोगे कि जंगल और जंगली जानवर से हमारा क्या नाता है। अगर आप इस पर एक पूरी डिटेल्स वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर बताना, इस पर एक कंप्लीट वीडियो मैं बना दूंगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों में शेयर करना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मत